इसको कम करना था थोड़ा सा। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशन को देखा था। और कक्षा में हमने ये भी चर्चा कर लिया था कि नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। तो आपका ट्रांसपोर्ट इक्वेशन दोहराते हैं, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होता है, ये शॉर्टकट में बताऊं, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन यू आपका यहां पर होगा टी प्लस में बी डी यू इज इक्वल टू जीरो, ये ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहलाता है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कब कहलाता है, जब यू टी प्लस में क्या हो जाए बी डी यू इक्वल टू जीरो और साथ में क्या हो u इज इक्वल टू जी हो, जहां g क्या हो नॉन हो। सही बात है, ये जब लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे आर एन क्रॉस में आप लिखेंगे यहां जीरो से इनफाइनाइट, और ये कब की बात है, ये आर एन क्रॉस में t इक्वल टू जीरो मतलब समय जीरो हो तब की बात है ये, ठीक है। अब यही जो है इसी पे क्या रख दे हम यहां पर f रख दे, तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कि पहले था उसको हम लोग होमोजेनियस कहते हैं, जब राइट हैंड साइड में जीरो हो तो, अगर उसके जगह क्या आ जाए एक फंक्शन आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम। और आप जो है पिछली दो कक्षाओं को देख लेना घर में अच्छे से, ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा लगेगा, समझ आएगा आपको, ठीक, क्योंकि आप अनुपस्थित थे। तो नॉन होमोजेनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को लिखिए बोलेगा तो लिखिएगा अच्छा से, ठीक है, और प्रूफ कीजिए बोलेगा तो प्रूफ भी करना है आप लोग को। तो देखिए फटाफट करते हैं क्योंकि आज का हमारा जो क्लास का लक्ष्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाप्लास इक्वेशन 2012 13 14 फिर जो है 16 17 उसके बाद 18 21 लगातार ये पूछा गया है, तो आप लोग जरूर देखेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो इस यूनिट में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आईएमपी है, बड़े में चार नंबर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीटेड है अभी तक रिकॉर्ड है लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन, फंडामेंटल सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मेरा लिखने का ऐसा तरीका है और कल लिखे थे उसके तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या आप कंसिडर करेंगे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को ही क्या कहते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमने लिख दिया है यूटी प्लस बी डी यू इक्वल टू एफ, है ना ये, और साथ में क्या होगा u इज इक्वल टू g इन r n क्रॉस में अगर t जीरो हो तो, उस स्थिति की बात है। तो यही जो है क्या कहलाता है, पूरा मिलके नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। अगर यहां पर जीरो होता तो वो क्या कहलाता, वो होमोजीनियस कहलाता, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। इस कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला, वेयर b की बात करेंगे तो b फिक्स वेक्टर है, ठीक है, और u क्या है आपका अननोन फंक्शन होगा और g क्या होगा आपका नॉन फंक्शन होगा, f क्या होगा नॉन फंक्शन होंगे, ये सभी नॉन फंक्शन होंगे, तो सबको मेंशन कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि लंबा है, क्या का लंबा भाई, मेन आपका डिफिनेशन तो है, इसको याद रखना, बाकी को तो आप क्या कर रहे हो मेंशन कर रहे हो कौन क्या है बता रहे हो। तो द प्रॉब्लम इज टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है, क्या वैल्यू खोजना है, खोजना है वैल्यू यू एक्चुअल में था क्या, यही क्या होता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का क्या निकलते हैं सॉल्यूशन, समझ आया। देखिएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिएगा भी बोल सकता है, एक तरीका ऐसा हो सकता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो बोलेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करो का मतलब होता है उसमें यू की क्या व्याख्या किया जा सकता है, ओके। तो आपने बोल दिया, एक कल हम बात कर चुके थे, ओके, इसी को हमने यहां पर बता दिया है कि भाई नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है करके, बाकी सारी चीजें पूर्ववत है, बी फिक्स वेक्टर है, आपका एफ जो है नॉन है और जी नॉन है, यू आपका अननोन है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चालू करूं तो देखिएगा बड़ा सिंपल से इसका सॉल्यूशन होने वाला है, बहुत शानदार है इसका सॉल्यूशन और सरल है। क्या लिखा हम लोगों ने, सपोज ये मान लिया बी फिक्स वेक्टर, ये आपका एक्स टी क्या है आपका आर एन क्रॉस जीरो से इनफाइनाइट पर ये आपका क्या है एक पॉइंट है। कोई बच्चा पूछे तो आप क्या बताएंगे, भैया आर एन अपने आप में क्या है यूक्लिडियन स्पेस, इसका मेंबर क्या होता है एक्स, और टी क्या होता है रियल टाइम वेरिएबल। अब दोनों को आपको करना है तो रियल टाइम को हम क्या करते हैं जीरो से इनफाइनाइट तक लिख देते हैं, मतलब ये r प्लस होता है भूलेंगे नहीं, निगेटिव तो होता नहीं है टाइम,
हाँ कि ना। तो कई बार जो है ओनली बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ऐसा लिख दिए होते हैं तो हम रियल को पॉजिटिव रियल करके हम ऐसा सोच के ऐसा करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका एक्स कॉमा टी, क्योंकि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, एक्स कॉमा का हो जाएगा टी, कहां पर जाएगा भाई, ये जाएगा आपका आर ऐसा एन प्लस वन पर जाएगा, बात क्लियर है। या फिर कुछ जगहों पे क्या लिखेंगे, इसी को ऐसा लिखेगा तो भी वही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को लेकर। आपने कुछ जगहों पे देखा ना, हमने कई जगह पे लिया है, क्या लिया है, इसको लिया है आर एन प्लस वन करके लिया है, देखे हो आप लोग, हाँ मतलब डायमेंशन बढ़ गया, डायमेंशन के लिखे इसको, ये जो है डायमेंशन को बढ़ाने के लिए ऐसा लिखा गया है, इसमें कोई समस्या मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, ये हमने क्या किया है, पॉइंट को माना है। कंसिडर एक फंक्शन जो बोल रहे हैं जेड, जैसा कि कल बोला गया था सेम टू सेम हुबा हुब, वहां पर हाईलाइट नहीं कर रहे थे, हाईलाइट कर दिया, जेड फंक्शन है, कहां से, रियल फंक्शन है, रियल वेरिएबल कुछ लिखा जाएगा तो रियल आपके पास क्या मिलेगा, उसके रिजल्ट मिलेंगे, और वो ऐसा है जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में आपका एस बी और टी प्लस में एस, मतलब जो आपका वेरिएबल था एक्स, एक्स में क्या बढ़ा दिया गया, हमने क्या बढ़ाया है, बी एस अलग लिखा, हमने कल ये बता दिया था अच्छे से, ये आपका एक्स बराबर लिखेंगे और ये टी बराबर क्या लिखेंगे, और बगल में ऐसा हम लिखा करते थे ये एक्स एस और यहाँ पर टी एस। तो कल का एक एक चीज वही रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता था टी प्लस में एस करके, कोई प्रॉब्लम, ये पैरामीटर के कारण से चीजों को हमने थोड़ा और अलग तरीके से मेंशन किया है। ये मेरा समीकरण नंबर तीन है, ये दोनों को मैंने अभी क्या कहा है, एक और दो कहा है। जब आपका स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो साथ में उसको भी नाम दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम अभी फिलहाल नहीं है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएशन करूं, आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन करने से क्या बनता है, यूटी प्लस में बी डी यू, कल भी बना था ना ये, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, इसको डिफरेंशिएशन करने से यूटी प्लस में बीडीयू बनता है। और कैसे बनता है, कल का वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे बनता है, बड़ा सिंपल सा इसका थ्योरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ाया, क्या मैं इसको पूरे को एफ लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एफ, कहां से एफ लिखोगे भाई, यूटी प्लस बीडीयू के बराबर क्या लिखते हो आप लोग, एफ, वो आपने एफ लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन, समझ आया। क्या मैं अब एप को, एप के पास भी क्या होगा, फंक्शन है, फंक्शन की वेरिएबल क्या होगा, जिस प्रकार से यू से संबंधित फंक्शन था वैसे ही लिखेंगे, तो इसके पास भी वेरिएबल क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक्स और ये टी, लेकिन एक्स को एक्स नहीं रखना है, एक्स को क्या रखना है आपको, आपको बी प्लस में एस रखना है, क्योंकि आपने कुछ एक अलग प्रकार से उसके पैरामीटर के रूप में आपने एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। मैंने कल भी बताया था हम क्या करते हैं, लाइन का इक्वेशन ड्रा करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो आप जो है उनको इस प्रकार से अलग अलग रूप प्रदान करते हैं, तो वही बात यहां पर भी लागू होगी, और आप यहां पर क्या लिखेंगे, टी प्लस में एस लिखेंगे। तो लिखा है हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे चीजें जाना पहचाना था, अब उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। समीकरण नंबर एक को, दो को, तीन को, चार को, जो भी आपने कहा सबको आप इंडिकेट करें, सबको आप क्या करें, एक साथ जो है रखें, और एक साथ रखने पर जब इन सबको एक साथ जज करेंगे, कुछ खास रिजल्ट हम लिखने वाले हैं, उस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, है ना। जब समझ ना आए तो जरूर पूछना कि नहीं बना सर, नहीं जमा, दूसरा तरीके से बताइए करके, मैं लिखूंगा, अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछना, अगर समझ आएगा तो फिर अच्छा है, ठीक है। ये हम पहले लिख रहे हैं यू और एक्स और टी, माइनस में लिख रहे हैं हम लोग जी और एक्स, माइनस में बी और टी, और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, यहां पर मैं जीरो लिख रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ो, जीरो रहेगा ऑलरेडी वो, इसको स्टूडेंट्स मैं बोलता हूं जेड जीरो, ठीक है। और इस वाले को मैं बोल रहा हूं क्या, ये जैसे कि बोला था वैसे ही रहेगा, ये जीरो रखा था, जीरो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, ये बी और क्या लिखा था यहां पर, बी और टी और कॉमा जीरो, लेकिन बुक में लिखा नहीं है, अगले वाले में लिखा हुआ है, लेकिन है नहीं टी, मतलब दूसरा वाला वेरिएबल नहीं है, मतलब वहां पर जीरो है। कहां से प्राप्त किया गया था, तो आपको कल का थ्योरी हल्का फुल्का याद होगा, देखिए मैं यू बराबर जी लिख रहा हूं, याद है आप लोग को कल का सॉल्यूशन, होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आया था बच्चों, u आपका x माइनस में bt और यहां पर जीरो था t का वैल्यू, और आपके पास क्या था g बराबर, यहां पर g में साथ में क्या था x माइनस में bt और जीरो था। कहां से आया अगर कोई पूछे, तो आपको याद होगा हम जो हमारा u लेते थे, u में आपका वेरिएबल को s को माइनस t मान के चले थे, माइनस t अगर मानूंगा यहां पर रखूंगा तो आपको x तो मिलेगा ही मिलेगा,
और आपके पास क्या मिलेगा माइनस में, एस की जगह क्या लिखेंगे टी, तो आपको क्या मिलेगा बी टी मिलेगा, और यहाँ पर आप एस की जगह माइनस टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और वही बात हमने कवर किया था, याद है बेटा कल किए थे ना ये क्वेश्चन होमोजीनियस के लिए, वो बात हमने वही लिखा हुआ है। तो क्योंकि यू बराबर जी है तो मैंने यहाँ यू ना लिखकर क्या लिख दिया जी को लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसके बराबर मैं जेड जीरो कैसे लिखा, जेड जीरो कैसे लिखा हूं ध्यान से देखो। तो बच्चों इस जेड में एस की जगह जीरो रख दो, एस की जगह क्या रखोगे जीरो, जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ओनली एक्स और आपको मिलेगा ओनली टी, ठीक है। और ये कैसे मिला भैया, मैंने इसको रखा है मान के चलो अभी लिया नहीं है, और कोई पूछे सोर्स तो कहां से बोलना, यहां से। अभी देखिएगा जब कोई काम लेफ्ट हैंड साइड में खुद से करते हो उससे किसी को आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ नया चीज जनरेट करने वाले हो और आपने लेफ्ट हैंड साइड में अपना काम को जारी रखा है, इसमें कोई आप डिराइव इसी के माध्यम से आगे कुछ करने वाले हो, जैसे कि आप कुछ काम करते हो तो माना कि ये फलाना फंक्शन है इस पर इस प्रकार का काम करने वाला हूं अंजाम देने वाला हूं करके, तो आपको ये बात तो सहजता से एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा फंक्शन इसके बराबर ये है कि नहीं, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता, इसके बराबर ये है कि नहीं, इसके बराबर ये है कि नहीं, वही तो खुद खुद के बराबर खुद कैसे नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहां पर, जैसा का तैसा एक्स, और क्या लिख दिया मैंने एक्स माइनस में बी टी और यहां पर जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझ आया बात। अच्छा ये जो भले लिखा है इसको मैं एक लाइन में ऐसा भी बोल सकता था स्टूडेंट्स, जितना भी लिखा सही है ये बराबर है, चलो एक लाइन और देता हूं इसी को आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ा रहा हूं देखना ध्यान से। ये जो आपका जेड है जेड जीरो ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं इसको जेड माइनस टी बोल सकता हूं, यहां लिख देना था मेरे को लेकिन यहां लिख रहा हूं, बताइए जेड में माइनस टी लिख सकता था क्या, जाइए जेड में चेक कीजिए, एस की जगह क्या रखेंगे आप, एस की जगह माइनस टी रखेंगे, एस की जगह क्या रखेंगे आप लोग माइनस टी रखेंगे, ये एक बार जीरो रखने पर प्राप्त किया गया है ये चीजें, और आपने एक बार क्या प्राप्त किया है, एक बार एस की जगह माइनस टी रखा है तो प्राप्त किया है, और हमने इसकी जगह वहां पर किया है देखो ऊपर में, एस की जगह क्या रखते हो माइनस टी रखते हो तो ये प्राप्त होता है, मतलब इनके बराबर डायरेक्टली मैं ये लिखता लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टली लिख देना बेटा इस बराबर क्या होगा जेड जीरो, अर्थात यहां पर जेड में आप जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ओनली यू एक्स टी, और अगर आप जेड की जगह क्या रखने वाले हो जेड की जगह माइनस टी रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ओनली ये वाला हिस्सा, और इसी हिस्सा को आप जी भी बोलते हो क्योंकि यू बराबर क्या है ऊपर में जी दिया हुआ है, समझ आया बात ठीक। तो आप इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाइएगा, और इधर ये लिखने का लक्ष्य था तो हमने उसको लिखा हुआ है, आगे इसको अगर मैं ले जाऊं तो क्या आप इसको ऐसे कह सकते हो इंटीग्रेशन और ये माइनस टी से लेकर क्या वो है जीरो, और मैंने लिखा यहां पर जेड डैश मतलब डिफरेंशिएशन, और यहां पर आपका एस और यहां पर होगा डीएस, ये कहां से लिखा गया, लिखा नहीं गया उसको ध्यान से देखेंगे तो ये और ये आपस में बराबर ही है, कैसे भैया किसी डेरिवेटिव को उसके ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल का निशान हट जाता है, और क्या लगता है वेरिएबल में पहले अपर लिमिट रखा जाता है जीरो, ठीक है, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखा जाता है, तो ये मिलेगा ना जी इंटीग्रेट करूंगा तो डेस हट जाएगा, और क्या रखेंगे सबसे पहले जेड एस जगह अपर लिमिट वो जो कि जीरो है ये आएगा, और क्या करेंगे लोअर लिमिट जो कि ये आएगा, तो इसके बराबर ये भी लिखा जा सकता है, बोलेंगे जी सर ऐसा लिखा जा सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है पांचवा है, ठीक है कोई आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल से आप सभी को। चलिए अब इसको मैं चार से थोड़ा कंपेयर करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या होगा हमारा From equation number 4 and 5 आपको क्या दिख रहा है, ये सब हमारे वीडियो में आया हुआ है ना, ये वाला हिस्सा आया है ओके ठीक है। तो कई बार क्या है कि नहीं आता ना हमें पता नहीं रहता, तो इसका देखिए कंपेयर कीजिएगा तो इस साइड में तो आपको वो चलता ही रहेगा, क्या चल रहा है भैया ये पूरा यहां लिख देता हूं यू एक्स टी, नहीं जगह कम हो जाएगा मैं यही लिखते हूं, ये क्या हो जाएगा यू एक्स टी माइनस में जी एक्स माइनस में बी टी, ठीक है, और यहां पर जीरो लिख दीजिएगा, राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन का निशान होगा और माइनस टी होगा ही होगा, ये जीरो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम अभी हाल में नहीं है, समझ आ रहा है आप लोग को ओके।
क्या मैं इसको अपर को लोअर बनाऊंगा तो यहाँ पर माइनस लिख दो और यहाँ पर जीरो और यहाँ पर टी लिख दो, ये बात भी सहजता से एक्सेप्ट किया जा सकता है। अपर को लोअर लिखने से मतलब लिमिट को चेंज करने से क्या हो जाती है, हमेशा निगेटिव साइन बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपर में था वही लोअर में और लोअर अपर में, जब ये चीजें आपस में चेंज होती हैं, अगर साइन बीच में निगेटिव है तो बाहर में निगेटिव लिखना पड़ता है, उनका आंसर निगेटिव आ गया। भाई अब ये जो है इस पूरे के बराबर में आप जानते हो कौन है, ये है, पूरे को लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे अंदर में जेड, और इसका डेरिवेटिव जेड फंक्शन का डेरिवेटिव, एक बार डॉट लिखा मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो आप लोग, तो उसके जगह आपका वैल्यू होगा एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाएगा एस बी, और कॉमा लिखेंगे हम लोग टी प्लस में एस, और डी एस है तो आप लिखेंगे डी एस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ आया आप लोग को, सही है, कोई गलत चीज तो नहीं है, सेम टू सेम, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए था। प्यारे बच्चों अब हम इन वेरिएबल को आपस में, क्योंकि सब आपस में बंधा हुआ है, जैसे कि मैं एक टाइम को बोल रहा हूँ, ये टाइम ही तो है ना, टी बराबर में क्या है आपका टी प्लस में एस, याद है तुम लोग को सबसे शुरुआत में यही बोला था, एक्स बराबर क्या लिखे थे आपने, बगल में हमने एस एस लिख के समझा दिया था, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले क्या है निर्देशांक है, और यहाँ पर क्या है आपका टी एस है, तो इस प्रकार से लिखे थे, और इसको हम लोगों ने क्या लिखा था एक्स प्लस में यहाँ पर बी एस करके लिखा था, ये मतलब टी ही था, ये टाइम ही था, तो या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, सही बात है, या फिर टाइम को ऐसा टी बराबर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या इसको पक्षांतर ऐसे कर दिए होते तो भी क्या लिखते आप, इसको लिखते टी माइनस में एस भी लिखते, हाँ कि ना, अगेन बातों को रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा क्या बोला मैंने, आप इस टी को ऐसे भी तो लिख सकते थे पक्षांतर के, तो टी माइनस एस भी मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, कौन एस, कहां से, क्योंकि एस आपका एक रियल फंक्शन होता है, हमने पहले बता दिया था, रियल आपका एस क्या होता है, पैरामीटर होता है, अब मैंने टी को आपको याद हो गया, फिर एस को मैंने एक बार माइनस टी भी लेके समझाया था, अभी आपको एस को जीरो लेके भी समझाया है, ठीक है, और एस का वैल्यू प्लस में भी टी होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो इन कारणों से हम इसको क्या किए हैं, इनको रिप्लेस कर रहे हैं, क्या इस बात को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्या एक्सेप्ट करेंगे आप लोग अच्छे से इसको, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या टी बराबर देखो टी प्लस में क्या एस लिखे थे, हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई पूछेगा तो देखो पक्षांतर कर दो, देखो आया कि नहीं बोलना, वही तो है, उसी से मैं लिख सकता हूँ, बोलेंगे इसका मतलब ये था कि टी का वैल्यू जो भी है वो एस के रूप में, या फिर एस का वैल्यू जो है टी के रूप में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से हम इसको मेंशन करते हैं करके, तो यही बात जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस साइन का निशान रहेगा, बोलेंगे जी सर माइनस साइन का निशान रहेगा, और पूरा आपका फंक्शन को हमको क्या करना है निगेटिव कर देना है, ऐसा भी आप कर सकते हो। एक हम छोटी सी गलती की है, देखिएगा है ना, यहाँ पर क्या था ये माइनस थी, जब भाई इसको आप क्या कर रहे हो, आपके लिमिट को ये आपने क्या किया था, ये माइनस टी से क्या किया था आपने जीरो, ये पहले से था, हाँ कि ना, जब इसको ऊपर ले जाओगे आपने बोला है कि क्या कर दो, यहां पर ये जीरो आ जाएगा, यहां पर माइनस टी आता, समझ आया क्या आता माइनस टी, अगर अपर को लोअर बना है तो क्या आता और माइनस आता, तो बेटा अगर ये आपका लिमिट ऑलरेडी निगेटिव में है तो आप पॉजिटिव करोगे तो दोनों आपका कट जाएगा, समझ आया, फिर से समझा रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, यहां ले जाते हैं तो सामने माइनस आते हैं, अब आपके लिमिट को ही क्या करना है आपको निगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाना है, तो एक बार और माइनस बाहर निकालेंगे या फिर माइनस का इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वैसा आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका और ऐसा हो सकता था कि आपने जो बोला है ना उसमें आपने थोड़ा परिवर्तन किया होता, इसे आपने बोला था टी बराबर क्या बोलना है सर, बोला था आप लोगों ने, आपने बोला था टी माइनस में एस बोलना है करके, ठीक है, ऐसा कहा है, तो इन्हीं के कारणों से ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, ये तो ठीक है आपका, या तो एस बराबर क्या लिख सकते थे आप लोग, एस बराबर पक्षांतर करूंगा इसको तो एस बराबर जीरो भी हो जाएगा ना, इसको इधर पक्षांतर करूंगा, इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो जीरो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप आपस में इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने लिखा है यही हमारा आंसर होगा, लेकिन एक बात जो है हमने कहा है उसको आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं नोट्स में मेंशन हुआ है ये बात, ना किसी बुक में मेंशन हुआ है, हमारे पास दो दो बुक होगा, एक होगा हमारा एलसी एडवांस का और एक और अमेरिकन पब्लिकेशन का बुक हमारे पास है जिसका नाम काम नहीं है, लेकिन उस पीडीएफ को हमने निकलवा के रखा था, ठीक, तो ये एफ रहेगा, ओके एस रहेगा, ये भी बात भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस और आपके पास जो बी है वो बी रहेगा ही रहेगा, और आपके वेरिएबल को आपको क्या करना है, बी रहेगा एस माइनस में टी, या फिर टी माइनस एस, बोला था याद है आप लोग को,
और यहां पर क्या रहेगा बी, है ना, ये आप रखेंगे। और बगल में क्या लिखा है हम लोगों ने, यहां पर ओनली एस को ले लिया है, ओनली किसको लिया है, एस को लिया है, और ये डीएस। ये परिवर्तन कैसे किया गया होगा ये देखिएगा, मैं बार बार चीजों को रिपीट क्यों करता रहता हूं ताकि आपको समझ आए, टी का वैल्यू को चेंज करने का तरीका, ठीक है। ये या तो आप बोलेंगे क्या टी प्लस एस बराबर में ही एस, ऐसा बोलूंगा तो आपको क्या मिलेगा, एस बराबर में क्या मिल जाएगा, एस बराबर में मिल जाएगा एस माइनस टी, तो जो एस था उसको क्या लिख दिया एस माइनस टी। मैंने कहा था ना इन रिलेशनों को हम क्या है आपस में इंटरचेंज, आपस में बदलते रहते हैं, तो आपके आंसर में मेन आंसर को ऐसे लिखा है, लेकिन ये भी आंसर था और रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चेंज करने के तरीके पर डिपेंड करता है ये। तो जनरली सारे बुक में नोट्स में हमारे आंसर को ऐसा ही लिया गया है, लेकिन हमारा जितना भी यहां पर आंसर बनाया गया लिखा गया वो आपके किस पर डिपेंड कर रहा था, आपके जो है ये चेंज करने के तरीके पे, मतलब माना होता आपने क्या माना होता t प्लस में s बराबर में s ही माना होता। तो आप कुल मिला के अब इसका वो निकाल के देखो, क्या निकाल के देखो आप, ये जैसे कि हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं वो सोचने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्योंकि एक चीज में बहुत सारे चीज को सोच के देखना चाहिए कि क्या संभव है करके। आपने ऐसा माना ना तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने फिर कहा कि s के बराबर क्या लिखा जा सकता है, s के बराबर ये आपका s रहेगा, है ना, इसके बराबर में क्या रख रहे हो ओनली s रख रहे हो। और अभी आपको मैंने पक्षांतर करके दिखाया था, ऐसे लिख सकते हैं s बराबर क्या लिखेंगे s माइनस t भी लिख सकते हैं, बोले थे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, काटना किसी को नहीं है ये बात भूलना नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो हमारा आंसर क्या है यू एक्स टी माइनस में जी एक्स माइनस ये आपका क्या है बी टी, और यहां पर जीरो रखें तो ठीक, नहीं रखें तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इक्वल टू क्या हो गया ये हमारा आंसर रहेगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यू एक्स टी इज इक्वल टू, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको जी, और ये आपका एक्स माइनस में बी टी प्लस में क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर क्या टी, और फंक्शन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, और प्लस में हो जाएगा हमारा एस माइनस टी साथ में रहेगा, और बी भी रहेगा, और क्या रहेगा एस रहेगा और डी एस, और यही आपका आंसर है। क्या है ये सॉल्यूशन आपका केस का, सॉल्यूशन आपके नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। यहां पर अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये जब चेंज करना चालू किया तो निगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाया था, जब ऊपर चला गया तो अपने आप को भी वो क्या कर लिया बाहर में निगेटिव लगाने से अच्छा अपने आप को क्या करवा दिया उसने निगेटिव करवा दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया ये जो है समझ लिया अच्छे से, और यही सॉल्यूशन किसका होता है नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अच्छे से आप दिमाग में सेव कर लो इसको। अब आता है लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन किसे कहते हैं और परिभाषा आपको पूछा जाएगा। तो पहले थोड़ा लिखने का तरीका अच्छा रखें आप, क्या बोलेंगे माना यू कोई फंक्शन है डिफाइन है कहां पर डोमेन, और डोमेन किसका डोमेन है Rn का डोमेन पे लेते हैं। हमने शुरुआत ही आपको पहले दिन से कहा था कि आप जो है नोटेशंस को याद रखें करके, यू फंक्शन है जो कि डोमेन डिफाइंड है, किस डोमेन पर डिफाइंड है, किसके डोमेन पर Rn के डोमेन पर डिफाइंड है ना, और रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये डिफाइंड फंक्शन जो है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस प्रकार से हम बना रहे इस यू के लिए, ये आपका डेल का मतलब होता है ये एक ऑपरेटर जो कि डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल को व्यक्त करता है सेकंड ऑर्डर के, तो ये इनका पूरी तरीके से जो होगा ये इक्वल टू जीरो हो जाए, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हो रहे हों सबका योग क्या हो इक्वल टू जीरो हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल होता ये आपका क्या होता यू डिफाइन होता किस पर, ये आपका कोई डोमेन यू पर, और जो कि सबसेट है किसका आर टू का। मान लो तो आपके पास वेरिएबल किसका होता है ये एक्स और वाई बस होता है ना, एक्स और वाई, तो इसके जो है लाप्लास इक्वेशन जो आएगा वो कैसे आएगा यू फंक्शन का सेकंड ऑर्डर का, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर का नहीं सेकंड ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए है सबका और योग है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से डेल एफ अपॉन में, या फिर यू है तो यू लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। समझ आया, तीन वेरिएबल होंगे तो तीन, तो इसको ऐसे भी आप जो है बता सकते हो। समेशन I का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक n तक, ठीक है, और फंक्शन u के, फंक्शन u के सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में एक्स आई के रिस्पेक्ट में, कैसे एक्स आई पहली बार करूंगा तो एक्स 1 का
मतलब पहले वाले फंक्शन, पहले वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, दूसरे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, क्योंकि यू के पास क्या होता है, यू के पास एक्स होता है, और एक्स कहां से आता है, एक्स आता है आरएन से, तो आरएन से जो आपका एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा एक्स एन। तो इतना बार क्या करेंगे आप लोग, इतने वेरिएबल जितना वेरिएबल उतना पार्शियल डेरिवेटिव, तो उतना बार क्या करेंगे उसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे और उसको योग करेंगे। तीन होता है तो तीन बार क्या होगा, डेरिवेट होगा और योग होगा। दो होते तो दो बार योग क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुआ पार्शली और क्या हुआ, योग हुआ। पर्टिकुलर अलग अलग वेरिएबल के लिए आपका एक बार एक्स है तो एक्स बोले, इसको आपने ऐसा बोला होता तो समझने के लिए तो ज्यादा अच्छा रहता, आप एक्स वन और क्या बोल देते हैं एक्स टू, तो एक्स वन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यू का और एक्स टू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसका, आपके इस फंक्शन यू का, एक्स थ्री होगा तो तीन। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दो लिखूंगा तो ये बनेगा, दो लिखूंगा क्या बनेगा बेटा, आई का वैल्यू वन से लेकर टू लिखूंगा तो ये वाला इक्वेशन बनेगा, बनेगा ना। और अगर आई का वैल्यू आप जो है तीन लिखेंगे तो आपका तीसरा वाला भी आ जाएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं, अच्छे से याद रखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव जैसे फंक्शन यू है तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स, ऐसा समझा, फंक्शन ऐसा अगर है डेल एफ अपॉन में क्या है डेल एक्स, तो आप लोगों ने अगर बीएससी अच्छा पढ़ा होगा तो हमेशा नजर आएगा ये फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव को नीचे में लिखते हैं ऐसा बताने के लिए। एफ एक्स मतलब फंक्शन एक्स को क्या किया गया, ये जो फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया गया। अगर सिंपल डिफरेंशन होता था फंक्शन का, एक ही वेरिएबल है तो उसको हम लोग ऊपर में ऐसा डेस लिखते थे, समझे क्या लिखते थे हम लोग, ऐसा डेस एक बार ऊपर में लिख दिया, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया, या फिर हम क्या लिखते हैं एक बार ऐसा डॉट लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को, लेकिन हमेशा पार्शियल डिफरेंशन में नीचे में थोड़ा सा क्या नजर आएगा, बिंदु नजर आएगा, तो समझ आना कि फंक्शन को क्या किया गया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी बात को यहां पर लिखूंगा, ये समेशन का निशान, ठीक है, और यू फंक्शन को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार लिखे तो एक बार। अगर फंक्शन को ऐसा लिखा होता है डेल एफ स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं ऐसा एफ एक्स और एफ एक्स, मतलब नीचे में दो बार ऐसा एक्स एक्स, मतलब दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, समझ आया, इक्वल टू क्या, यही क्या कहलाता है, लाप्लास इक्वेशन, लेकिन बुक में वैसे यही नजर आएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा, मतलब पूरी तरीके से जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का योग होगा, हम उसको इस प्रकार से एक ऑपरेटर का, है ना, डेल ऑपरेटर का नाम देके हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारा फंक्शन जो यू है उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का योग क्या होता है, जीरो होता है, और इसी को क्या कहते हैं लाप्लास इक्वेशन, इसको बोलेंगे तो भी, इसको बोलेंगे तो भी, इसको बोलेंगे तो भी, इसको बोलेंगे तो भी, सारे क्या है लाप्लास इक्वेशन को व्यक्त कर रहे हैं, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लाप्लास इक्वेशन के बाद आता है पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन किसे कहते हैं, है ना, तो आप इसको लिख लीजिएगा पॉइजन इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन भी समझ जाइएगा, वे सारे फंक्शन जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। तो आप जो है पॉइजन इक्वेशन को पहले लिख दो, पॉइजन इक्वेशन, है ना, ये आपका पॉइजन स्पेलिंग देख लीजिएगा पॉइजन का, है ना, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डेल यू जो है इक्वल टू जीरो ना होकर माइनस एफ हो जाता है, क्या होता है माइनस एफ होगा, तो आपका इक्वेशन को कहते हैं हम लोग पॉइजन इक्वेशन, माइनस एफ कुछ फंक्शन होगा, ठीक है, नेगेटिव फंक्शन होंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी फंक्शन होंगी उन सभी फंक्शनों को यू को जो कि इस प्रकार से पार्शियल डेरिवेटिव बनाता हो उसको कहा जाएगा क्या, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। अब आता है हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, क्या तीसरा नंबर का बिंदु, अच्छा मिटा दिया इसको, मिटाना नहीं था, डेल यू इज इक्वल टू क्या, माइनस एफ। हार्मोनिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन वे फंक्शन होते स्टूडेंट्स जो कि क्या करता हो, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, सिंपल सी बात है। तो जो भी फंक्शन जैसे कि यू ने अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया तो यू पक्का क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो क्या इसको याद रखोगे आप लोग, सिंपल सा वो है थ्योरी है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, मेन आपका क्वेश्चन जो है वह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाप्लास इक्वेशन, सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन, तो देखते रहिएगा समझते रहिएगा, फटाफट करते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, तो देखेंगे अच्छे से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर जितने भी बातें हमने यहाँ लिख रखा है उसको रफ में भी समझाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि हर चीज डायरेक्टली आपके कॉपी में बुक में
अलग अलग नोट्स में नजर आएंगे, तो आपको समझना चाहिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं जो है इधर में मिटा रहा हूं, जिनको फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए जल्दी से फटाक से। फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन के लिए पहले आपने लाप्लास इक्वेशन को बता दिया, गिवन लाप्लास इक्वेशन इज डेल यू इक्वल टू जीरो, बिल्कुल समीकरण नंबर एक कह दिया आपने। कंसिडर अ रेडियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, जब भी कोई सॉल्यूशन रेडियल मतलब त्रिज्यीय रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय रूप, मतलब हर चीजों को आप क्या करते हो, त्रिज्यीय दूरी के रूप में लेना चालू करते हो। अब त्रिज्यीय दूरी क्या होती है, त्रिज्यीय रूप क्या होती है, चलिए इसको टू डायमेंशन में लेकर समझाते हैं आपको। देखिए भैया, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, यहां पर कोई बिंदु है, इसको एक्स एक्सिस को भी मैं हमेशा एक्स एक्सिस को एक्स वन बोलूंगा, इसको एक्स टू बोलूंगा, तो भी चलेगा। आपके एक्सिस बहुत सारे होते हैं क्योंकि एन एक्सिस होता है, पता है ना, ठीक है। और यहां पर कोई बिंदु P है बेटा, P की जो दूरी है उसको अगर मेरे को बताना है ना, तो आप क्या लिखते हो, उसको लिखते हो हमेशा x कॉमा या फिर x1 कॉमा x2, सही बात है। अब इसका मूल बिंदु से जो दूरी होगा उसको कहते हो आप लोग क्या, r, सही बात है। जब r को निकालना हो तो r एक्चुअल में क्या बताता है, ये जैसे कि इस दूरी की, इस बिंदु की मापांक बताता है। मापांक का मतलब ये होता है कि ये कहां पर स्थित है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे होंगे, z कोई बिंदु होता है, इसमें क्या होता है, x कॉमा y, तो आप क्या करते हो, मापांक z बराबर में आप लिखते हो अंडर रूट, या फिर इसी को r बोलते हो, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, पता है ना तुम लोग को, यही दूरी है, यही आप क्या करने वाले हो, इसको लिखने वाले हो। तो अभी R जो बोलेंगे वो आप इस पॉइंट को Z बोलना है तो Z कहिएगा, मैं P बोल रहा हूं तो P कहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, X बोलना होगा तो X कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो ये क्या होता है भाई, अलग अलग दूरी थी, पहले किसके रिस्पेक्ट में था, पहले आपका दिख रहा था किसके, एक्स एक्सिस में कुछ दूरी अलग से है ना, ये पूरा दूरी पूरे एक्स एक्सिस की दूरी है, ये एक्स है और ये कितना है, वाई है। तो ये कहां से पाया गया होगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर में, आप बोलेंगे ये क्या है बच्चों, अगर ये कोण होता तो सामने वाला लंब होता, ये वाला आधार होता, आधार का वर्ग धन क्या हो जाता, क्या है, लंब का वर्ग, सही बात है। इसलिए जो एक्चुअल जो दूरी होती है वो इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग त्रिज्यीय दूरी कहते हैं, समझ आया, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो जो भी हमारे n डायमेंशन पे कोई बिंदु होगा उसको नाम देते हो आप लोग x, याद है x बिलोंग करता है कहां पर, बोला x बिलोंग करता है Rn पर। अभी आपका कोई बिंदु P था, अब x को क्या बोल रहे हो आप, x1 कॉमा x2, ओके, हाँ कि ना। x मतलब क्या, कोई बिंदु, कहां पर बिंदु भैया, प्लेन पर बिंदु। अगर इसको हम क्या कर ले, n डायमेंशन पे ले जाए तो x के पास कितना बिंदु होता है भैया, x के पास बिंदु होता है x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा xn, ऐसा। और यहां पर आपने x बराबर क्या लिया है, दो बिंदु के रूप में लिया है, ये क्या है, एक छोटा सा x मतलब निर्देशांक, बिंदु कहां पर, बिंदु r2 पर, ये पूरा मिलके क्या है, r2 था। अब r2 को जगह rn ले लोगे तो एलिमेंट कितना हो जाएंगे, x बराबर n एलिमेंट हो जाएगा, और n एलिमेंट की जब दूरी निकालनी होगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, r बराबर में लिखना पड़ेगा आप लोग को x1 स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे आप, x2 स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, x3 स्क्वायर और लिखेंगे क्या, xn स्क्वायर, हाँ कि ना। अलग अलग अक्षों से अलग अलग दूरी का वर्गों का योग का रूट, समझ आया बात। तो ये बात आपको अच्छे से समझना है, और हमने इसका उपयोग भी नॉर्मल लीनियर स्पेस में किया था, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो, याद है, नॉर्मल लीनियर स्पेस में नहीं किए थे जी, और रूट को हमने पावर सबका क्या बनाया था, पावर वन अपॉन टू बोला करता था मैं सबका, ठीक है। ये आपका दूरी से आता है, और अच्छे से मैंने समझा दिया था आप लोग को नॉर्म कैसे बना, किस प्रकार से आया करके, ओके। तो प्यारे बच्चों, आप वहां पर ना जाइए, आप यहां पर देखिएगा, हमने पूरा सॉल्यूशन पर रेडियल सॉल्यूशन मतलब एक्स को एक्स ना लिखकर क्या लिखा है मैंने, आर लिखा है, ओके, क्या लिखा है, आर लिखा है, आपको दिख रहा होगा। कंसिडर अ रेडियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, यूएक्स की जगह क्या लिखा मैंने, वी आर लिखा है, ओके, VR। अगर मैं VR को ढूंढ लूं तो मेरा UX मिल गया मार के चलूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये समीकरण मैं दो बोल दिया क्योंकि बहुत जरूरी है उसको बोलना, वेयर R जो मैं लेना चाहता हूं, R है क्या, R एक्चुअल में रेडियल डिस्टेंस है, दूरी है, मॉड हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और मॉड x बराबर क्या आएगा भैया, अभी यही लिखा था, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर प्लस में x3 का स्क्वायर प्लस में xn का स्क्वायर, समझ पाए आप लोग, ठीक। फिर बेटा
अगर मैं इस पर देखूं तो कितने एलिमेंट, सपोज मैं आई एलिमेंट, आई का वैल्यू कितना है, आई बराबर 1 2 3 अप टू एन, समझने के लिए। अगर मैं पूरे को डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या ऊपर में एक्स आई अपॉन में नीचे में एक्स वन का स्क्वायर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर प्लस में एक्स एन का स्क्वायर आएगा, बोलेंगे हाँ सर आएगा। कैसे आएगा समझो, ये कैसे पैदा हुआ होगा, एकदम सिंपल सी बात है। जब किसी फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हो, अब नहीं जानते हो तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। एक फंक्शन है 1√f, फार्मूला याद रखिएगा। जब कोई फंक्शन ऐसा अंडर रूट में या फिर सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, क्या है आपका फंक्शन अंडर रूट में ऐसा एफ ऑफ एक्स, तो इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन में डी एक्स के रूप में मान लो, ठीक है। तो आप क्या मानते हो उसको, पूरे को टी, पूरे क्या मानेंगे रूट टी मानेंगे भैया, पूरे को क्या मानेंगे रूट टी, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप लोग, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में। और डी टी अपॉन क्या लिखते हैं आप लोग, डी एक्स, ऐसे लिखते थे नहीं, या फिर आप ऐसा कहिएगा फार्मूला डायरेक्ट आप समझ सकते हो, रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट समथिंग, ये आपने बारे में बहुत बार सुना होगा भैया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट समथिंग का रूट समथिंग, बट समथिंग का एक बार डिफरेंशिएशन, इसको चैन रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, चैन रूल, फलनों का फलन का ये डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, अवकलन किया जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर ऐसा रहता रूट साइन एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, बोलेंगे क्या लिखेंगे 1/2 रूट साइन एक्स इंटू क्या होता है आंसर हमारा कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है। कहां से आया फार्मूला, भूलना नहीं अपने जीवन में पूरा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसको, आर, आर है कौन भैया, आर मतलब पूरा ये। तब आर को ध्यान से देखो अंदर में आपको क्या नजर आ रहा है, उसको जब डिफरेंशिएट करोगे भाई, पूरे को आपको डिफरेंशिएट करना है बोला, तो रूट समथिंग का क्या लिखूंगा फार्मूला देखो, 1/2 यस बोलिए रूट समथिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन यही आर है भैया, आर के बराबर है। तो 2 क्या रहेगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, यस बोलिए एक्स टू का स्क्वायर, फिर इस प्रकार से एक्स थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते करते आप बोलेंगे क्या, एक्स एन का स्क्वायर, ये बात सही है। अब आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, आप डिफरेंशिएट करेंगे इनको, तो आप डिफरेंशिएट करोगे, आप एक्स आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर एक्स वन के रिस्पेक्ट में किया होगा तो क्या आता 2x1, क्या आता 2x2 प्लस में 2x3 प्लस में, तो आप किसको डिफरेंशिएट करो, बोलेंगे सर चुपचाप एक्स आई को डिफरेंशिएट करो, अंदर में है कौन एक्स आई, तो 2xi कीजिए, क्योंकि एक्स वन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, एक्स वन के रिस्पेक्ट में, आई का वैल्यू क्या 1 2 3, ठीक है। तो एक्स आई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पूरा मिलकर क्या है एक्स आई ही तो है, तो आप क्या करेंगे पूरे का डिफरेंशिएशन। तो भैया इसका हो जाएगा अलग के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, लेकिन अपने खुद के रिस्पेक्ट में क्या आएगा एक्स वन, तो एक्स आई का क्या आएगा 2xi आएगा, ये 2 और 2 क्या कर दिया मैंने काट दिया, समझ आया बात। तो क्या मिला, डिफरेंशियल मिला एक्स आई अपॉन में अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस में एक्स टू स्क्वायर प्लस में, इस प्रकार से एक्स एन स्क्वायर। कोई बात, क्या मैं इस पूरे को आर ही बोलता हूं, आर लिख दिया, ऊपर वाला क्या है एक्स आई है, समझ आया। समीकरण नंबर क्या बन गई है 4। Does we have, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, किसको डिफरेंशिएट करूं इस फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, किसके रिस्पेक्ट में एक्स आई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्स नहीं है, एक्स बहुत सारे एक्स हैं, क्योंकि एक्स वन है उसके अंदर, एक्स टू है उसके अंदर, एक्स थ्री उसके अंदर, एक्स फोर है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे पूरे को डिफरेंशिएट किया और नीचे में लिखा कि भैया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या फिर एक्स आई, क्या बोलेंगे बेटा एक्स आई। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का निशान है, भूलना नहीं, नीचे में चिपका दिया मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है। फ्रॉम कहां से, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फंक्शन तो, लेकिन आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, अगला वाला है नहीं एक्स। जब अननोन फंक्शन होता है बेटा, जैसे कि आपको कोई फंक्शन बोल रहा है और फंक्शन है आपका आर वाला, लेकिन डिफरेंशिएट करना है आपको क्या किसी अलग रिस्पेक्ट में, किसी और फंक्शन में, क्या बोला मैंने एफ आर है, एफ एक्स होता तो आप चुपचाप डिफरेंशिएट करते एक्स रिस्पेक्ट में, क्या बोलते आप भैया इसको आप क्या डेल एफ अपॉन में क्या लिख दो डेल एक्स लिख दो बोलते, या फिर डी लिखना है तो डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसके पास एक्स ही ना हो, वेरिएबल आर हो, तो क्या लिखते हो आप लोग, नहीं चलो ठीक है अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं माना कि डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसे बोलते हैं, और क्या करते हैं जो आपके पास वेरिएबल रह गया उस वेरिएबल के क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव चिपकाएंगे, ये dr अपॉन में क्या लिखेंगे dx।
dr बराबर में dx, डिफरेंशिएशन के निशान ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझा देते हैं भैया, डिफरेंशिएशन कीजिए बोल रहे हैं, और डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया मैंने, साइन, और अंदर में मैं क्या बोल रहा हूं, इसको f ऑफ x बोल दिया, ठीक है। या फिर इसी को क्या कह दीजिएगा, ये आपका एक फंक्शन है जिसमें मैंने क्या लिखा है, r, r लिख रहा हूं, याद रखना क्या है ये r, आपको तो वेरिएबल r नहीं, आपको तो x के रिस्पेक्ट में करने को बोल रहा है डिफरेंशिएशन, और r ऑलरेडी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यहां पर क्या है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, कुछ भी बोला हो, चाहे x1 कुछ भी बोला हो, x से संबंधित है, लेकिन कौन, r, r का संबंध x से है, x i से है, हाँ है। जब किसी को डिफरेंशिएट करना हो, लेकिन ये वाला आपको पता चल रहा है कि साइन का क्या होता है, साइन समथिंग का ऑलवेज कॉस समथिंग, लेकिन समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन होता है, समथिंग कौन है, अंदर वाला फंक्शन। तो आप बेटा जब डिफरेंशिएशन करोगे, r इज आल्सो फंक्शन, तो किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग एंड समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन। देखिएगा रूट समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट समथिंग एंड समथिंग का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं, इसको चैन रूल कहते हैं, समझ आया, और आप लोगों ने इसको एमएससी में पढ़ा है चैन रूल, ठीक है जी, श्रृंखला नियम चैन रूल। तो आपने क्या किया, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है बोलेंगे इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बट यहां पर माना के डिफरेंशिएशन हुआ और उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, कौन लाएगा डेरिवेटिव, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x होता तो x के रिस्पेक्ट में, आप अगर यहां पर x i बोले तो x i के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, वेरी सिंपल, जिसको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर वो पागल है, उसको तो नहीं करना चाहिए एमएससी, समझ रहे हो, क्योंकि इतनी छोटी बात है ये, जो है बीएससी में इतना करते हैं कि पूछो मत। अब बताइए इस पूरी की वैल्यू क्या निकाला था आपने, यस एक्स आई अपॉन में क्या आर, तो हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। आगे फिर बढ़ाया बच्चों, ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हुआ था उसको और डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर को क्या लिखते हो आप लोग, एफ ऑफ एक्स, सेकंड ऑर्डर उसी के रिस्पेक्ट में डबल एक्स, अगर x i है तो x i के रिस्पेक्ट में और कर रहे हो आप लोग, तो नीचे लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ये विद रिस्पेक्ट टू x i, तो पूरे पर क्या करेगा, डिफरेंशिएशन का निशान लगाना पड़ेगा। क्या आप लोगों को फार्मूला पता है बेटा डिफरेंशिएशन का, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, या फिर बोलेंगे ये भी अपने आप में एक डेरिवेटिव के रूप में फंक्शन बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक को कांस्टेंट छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, एक को कांस्टेंट छोड़ा दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस क्या होता है, दूसरा को कांस्टेंट छोड़ो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सही है। अब भाई जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इस पर, इसमें इधर भी ऊपर में एक्स आई है और इसके अंदर आर के अंदर भी एक्स आई छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, हमेशा इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान में रखें, उसके अंदर एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, मतलब एक्स आई है, तो लेकिन दोनों अलग दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, ऊपर वाला प्योर दिख रहा है एक्स आई, लेकिन नीचे वाला नहीं दिख पा रहा है, वो आर के रूप में है, तो मतलब फंक्शन यू अपॉन क्या है, वी के रूप में लिखना पड़ेगा। जब दोनों चीज भिन्नात्मक रूप से अलग हो तो क्या करते हैं हम लोग, हम हमेशा फार्मूला क्या लगाते हैं बेटा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन में यू अपॉन वी का फार्मूला, ये जब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, वी का स्क्वायर, और आप लिखते हो वी इंटू डी यू, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ यू, और यू को कॉन्स्टेंट और वी का डिफरेंशिएशन, फार्मूला कभी भूलना नहीं, ठीक। तो मैंने क्या किया है, ये भूल जाओ भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ये v डेस मतलब v का डेरिवेटिव लिखा हूं अलग, वो बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये है हमने क्या किया हुआ है बोलेंगे तो v को लिखा हुआ है, ये देखो फार्मूला, और डिफरेंशिएशन किसका, u का, u कौन है, ऊपर वाला, u का डिफरेंशिएशन, ये आपका v है ना, तो v का स्क्वायर और v को लिखेंगे, और u का डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में, x i के रिस्पेक्ट में, माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, समझ आया बात, फार्मूला दिखा, हुबहू लिखा हूं ऐसी, हाँ कि ना, हाँ ध्यान से देख लो, एकदम सिंपल बात था, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया है u अपॉन v को, और आपने उसको लिखा है, और इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतना कहा कि अगर ये एक बार डिफरेंशिएट हो रहा था एक्स आई के रिस्पेक्ट में, तो आपने इसको एक्स डेस आर बोला है, दूसरा बार में आप क्या बोलेंगे उसको, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे उसको किस प्रकार से, एक्स ये आपका रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं, आप दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये वी डेस, वो डबल डेस हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना, चेक कर लेते हैं हम लोग, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल यही आएगा 100%,
ठीक है, अगर उसमें कोई परिवर्तन की संभावना होगा, गुंजाइश होगा, तो हम उसको परिवर्तन करेंगे। वो क्या आएगा, एक चीज और आएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो देखो जितना बार भी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना होगा जरूर, लेकिन साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव आर, ये आपका डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई, ये चिपकते रहेगा। क्यों चिपकेगा भैया, प्योर थोड़ी ना है ये, आपके अंदर ये डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में थोड़े कर रहे हो, एक्स आई के रिस्पेक्ट में, आप तो आर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो माना कि डिफरेंशिएशन हुआ और जो वेरिएबल रहता है उसका क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखो बात समझ आया, डिफरेंशियल करना है तो समथिंग का डिफरेंशियल हुआ एंड समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन, फलन अब फलन, चैन रूल। ओके बेटा, वी का डिफरेंशिएशन हुआ और आर अपने आप में और फंक्शन है तो उसको और क्या होगा, और होगा, कैसा होगा, इस प्रकार से। हाँ कि ना, सबको समझ आता है ये बात, अगर नहीं आता तो बीएससी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना पढ़ाया हूं मैं बीएससी में और हर क्लास में वो हम पढ़ाते रहते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बेटा इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, अगेन डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई का वैल्यू ध्यान से देखो, यस, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ वही बातें चिपकाएंगे वहां पर, समझने का प्रयास करना है अच्छे से। ये आपका यू एक्स आई और एक्स आई रहेगा, ओके एक्स आई इज इक्वल टू, ये इसको ऐसे ही रखिएगा, वी डैश और यहां पर आर रहेगा, मैं इस आर को आगे अप्लाई करूंगा, फिलहाल तो एक बार लिख दूंगा ओनली आर होगा। कैसे आर होगा भैया, खुद को खुद से डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता है, वन माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स आई। अब आपको पूछना है यहां से कितना आएगा, डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई का मान कितना होता है, डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई का मान होता है तो एक्स आई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखूंगा मैं इसको, पूरे को आर, और सबके अपॉन में क्या लिख रहा है मेरे को, आर स्क्वायर। वेरी गुड, आपने समझ लिया मतलब, फिर क्या होगा, ठीक फिर बच्चों इसको लिख दीजिएगा प्लस में, प्लस में क्या यहां पर जगह बनेगा तो जगह बना लेते हैं, ये हो जाएगा वी डबल डैश, मतलब दो बार डिफरेंशिएट किए हैं, और यहां पर क्या रह जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों यस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन आर का भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देते हम लोग। क्यों है वैसा, क्योंकि दो बार आया हुआ है, दिख रहा है, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके तो इस सबको क्या कर दीजिएगा, इस सबको आप योग करेंगे, योग करके देखते हैं योग करने के बाद क्या होगा, ठीक है, सबको योग करना है। ओके ठीक, समेशन लगा देते हैं, ये पूरे पर क्या लगाएंगे, समेशन, ये हो जाएगा आपका यू एक्स आई और एक्स आई, और मैंने आपको बताया था शुरू में जब लाप्लास इक्वेशन पढ़ाया था, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल यू, इसी बराबर में, हाँ कि ना, डेल यू बराबर में जीरो, मतलब ये पूरा हमने बताया था कि सारे उसके सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर उनका सबका योग बराबर जीरो, ठीक है जी, बाद में मतलब इसको क्या लिखूंगा, ओनली डेल यू लिखने वाला हूं, ठीक है, ये आपका v डैश r रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आप क्या कर दीजिएगा, है ना, इसको आप जो है बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करूंगा यहां पर तो ओनली वन अपॉन क्या हो जाएगा, r, सही बात है, कैसे होगा भाई, इसके नीचे में डिवाइड होता है ना यार, सबके नीचे में डिवाइड होगा, और माइनस में यहां पर क्या जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर, और सबके अपॉन में हो जाएगा क्या, आर की पावर थ्री, हाँ कि ना, कैसे थ्री होगा, क्योंकि यहां नीचे में डिवाइड होता है, डिवाइड होगा तो आपका ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका v डबल डैश r, और साथ में क्या रहेगा आपका, ये x i अपॉन में r सबकी होल स्क्वायर, समझा पाया मैं आप लोग को, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, देख लीजिए समझ लीजिए अच्छे से, यहां पर क्या इसको मैं ओनली वन लिख सकता हूं, ध्यान से देख लो, r डबल क्या है, ये आपका v डबल डैश r, ये ऊपर में आएगा एक्स आई का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर का ये मतलब होगा, अगर मैं उसको योग करता सबके साथ ज्यादा अच्छा रहता, यहां पर योग का निशान लगाना था मेरे को, यहां पर भी क्या करूंगा, योग का निशान, आई का वैल्यू से लेकर कहां तक, एन, और यहां पर भी अगर मैं योग का निशान लगाऊंगा तो इसको आप बाहर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्स आई यहां पर डिपेंड करता है, यहां पर एक्स आई का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, मैं बोल रहा हूं अगर इसको मैं समेशन करूं, समेशन करूं का इसका अर्थ ये होगा भाई, आप इस स्क्वायर को इधर लाइए, क्या करेंगे आप, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा, और आर स्क्वायर के बराबर क्या रहेगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, मतलब क्या है, इस प्रकार से एक्स आई का स्क्वायर सबका योग, हाँ कि ना, समझ रहे हो बात को,
पक्षांतर करूंगा, ऊपर में क्या आएगा, अगर मैं आई का वैल्यू को लिखना चालू करूं एक बार, वन का स्क्वायर प्लस में टू का स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर प्लस में एक्स एन का स्क्वायर बिना रूट का, और इधर क्या रहेगा आर स्क्वायर, तो दोनों कटेंगे ना। हाँ, तो ये बात समझिएगा, वो हम नहीं लिखने वाले। अब बेटा इसको अगर मैं समेशन कर दूं, समेशन करूं तो इस पूरे को क्या बोलना है मेरे को भाई, लाप्लास इक्वेशन की जो कंडीशन है वो क्या कहता है, इसका अर्थ होता है डेल यू। ओके, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेल यू, हमने यही पढ़ा था स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू, ये पूरा आप समेशन करेंगे तो ये पहले बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा, ये वी डेस आर बाहर आएगा, क्योंकि भी यहां पर आई डिपेंड नहीं करता। अब इस पर सोचिएगा, इस पर तो इस पर आपको कुछ खास मिलने वाला है, मैं इसको योग करूंगा तो इसको वन को ना ही छोड़ना, वन को क्या करना है आपको नहीं छोड़ना है, वन को आपको रखना है, आप वन को रखिएगा। अब वन को अगर आप एन बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन अपॉन में आर, क्या लिखना आप, एन अपॉन में आर लिखना, ठीक है। अच्छा, माइनस में यहां पर क्या आएगा, ऊपर में एक्स आई का स्क्वायर, उसको समेशन करते हैं तो क्या बनता है, वो समेशन को अंदर डाल दिया, समेशन को क्या किया मैंने, अंदर डाल दिया है, समझ लेना, ठीक है। तो आपका आर स्क्वायर बनता है कि नहीं, नीचे में क्या है आपका आर क्यूब है, तो क्या बचेगा वहां पर, वन अपॉन में आर। ओके, सही बात था, और प्लस में क्या होगा यहां पर, वी डबल डैश आर बस बचेगा, हाँ कि ना, इस वाले को लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा वन, ठीक है, ये बाहर आया, समेशन लगाऊंगा तो अगर कोई संख्या को अगर पांच बार जोड़ते हो तो पांच लिखना है, दस बार जोड़ते हो तो दस लिखेंगे, और एन बार जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एन, तो एक को दस बार जोड़ने से दस, तो एन बार जोड़ने से उसको बिल्कुल भी अलग नहीं करना, वरना तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन में आर, और वन अपॉन में आर लोग काट देंगे, नहीं, समेशन इस पर भी लागू होगा, समझ आया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहां पर वी डैश आर, और अंदर में हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन में आर, और प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, वी डैश डबल डैश आर। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जो है शुरुआत में समीकरण नंबर एक को देखिए, कहां से, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा पांचवा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहां से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव एंड वन। आप इस बात को समझिए, डेल यू का वैल्यू क्या होता है लाप्लास में, जीरो होता है, तो पूरे क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे डेल यू इक्वल टू जीरो होता है, ऐसा बोल दीजिएगा, डेल यू इक्वल टू जीरो है ना, सो दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा इक्वल टू जीरो, तो वी डेस आर, ठीक है, बोलेंगे जी सर। फिर आप बोलेंगे साथ में क्या इंटू है, एन माइनस वन अपॉन में आर, और प्लस में क्या लिखेंगे, वी डबल डेस आर इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट अगेन, मैं इसको पक्षांतर अगर कर दूं, पक्षांतर कीजिएगा, देखिएगा, मैं वी डबल डेस को इधर ही रखता हूं, उसको पक्षांतर करूंगा, इस पूरे को पक्षांतर करूंगा, तो मैं निगेटिव लिखने से ज्यादा अच्छा ये सोच रहा हूं कि यहां पर क्या करूं, ये तो आर रहेगा ही रहेगा, मैं इसको वन माइनस में एन अपॉन में आर लिख दूं, ये बात भी सही है। कैसे हुआ, पक्षांतर करेंगे तो निगेटिव आता, निगेटिव को अंदर डाल दिया तो एन माइनस वन था, वो क्या हो जाएगा, वन माइनस एन हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, आर होगा, ये बात भी क्लियर है। अब फिर यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्या, वी डबल डैश आर और अपॉन में वी डैश आर, ठीक है, क्या है, वी डैश आर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली एन माइनस सॉरी वन माइनस में क्या, वन माइनस में एन अपॉन में आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर ऐसा लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये इसका क्या बन सकता है, एक फार्मूला बनेगा, फार्मूला कैसे बनेगा, लॉग का, किसका, लॉग का फार्मूला बनेगा, और ये ऐसा है, इंटीग्रेशन का निशान अगर लगा दें तो आपको समझ आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा है ना, तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूं, मतलब समझ आ जाएगा आपको, लॉग वी डैश और क्या हो जाएगा आर, तो इंटीग्रेटिंग करके बता देना चाहिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं करके हमको लिख देना चाहिए, क्या करना है इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है, या फिर मेरे पास ये तरीका होगा, हम क्या करें इसको, डिफरेंशन पहले निशान लगा के इंटीग्रेट करें, देखना क्या लिखने वाला हूं, ये डिफरेंशन कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, आर है तो आर के रिस्पेक्ट में, सारे वेरिएबल क्या है आर, तो आप जो है इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो लागू हुआ कैसे बना होगा उसको समझिएगा, आपके पास ये लॉग क्या रहा होगा, वी डैश रहा होगा, और बराबर में क्या लिखेंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएशन
नहीं इसको मैं लिखा हूं ऐसा, इसके बराबर भी इतना होता है, मैं डिफरेंशिएशन कर नहीं रहा हूं, मैं समझाने के लिए ऐसा बोला। और ये क्या है आपका वन माइनस में एन अपॉन में आर। अब बच्चा बोलेगा ये क्या लिख दिया गुरुजी, अरे ये तो आप सभी को पता होना चाहिए लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग, और वन अपॉन समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन से समथिंग को और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और डेज बढ़ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? आपने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या सीखा है, वन अपॉन एक्स, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपका भैया, वन अपॉन एक्स जो होता है, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, और लॉग एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, और एफ का एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि यही चेन रूल कराता है फंक्शन का, और फंक्शन उसको अगेन आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सही बात है कि नहीं भाई? ऑलरेडी ये लॉग सपोज ऐसा रहता है, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है बेचारा, तो क्या लिखेंगे वन अपॉन में एफ डैश, और दोबारा कर देंगे तो क्या हो जाएगा डबल डैश हो जाएगा। बात सही है? तो यही बात यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये बराबर है कि नहीं, लॉग समथिंग का वन अपॉन समथिंग एंड समथिंग का अगेन डिफरेंशिएशन से क्या जाएगा डबल डैश लग जाएगा, है कि नहीं? अब इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर इसको एट बोल देता हूं, क्या है एट बोल रहा था सॉरी, क्या है आपका सिक्स है ना, फाइव सिक्स, तो आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर क्या है आपका सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट में आप लिखना तो लिख देंगे पूरा विथ रिस्पेक्ट टू आर, और वो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हट जाएगा, हटेगा कि नहीं? आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास इस साइड को मैं पहले लिख रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन के बाद अगर इंटीग्रेशन कर दें तो वो ऑपरेटर जो डिफरेंशिएशन का हट जाता है और आप पूरे को क्या लिखेंगे लॉग, ठीक है, और लॉग वी डैश। बार बार वेरिएबल को मत लिखना क्योंकि कुछ जगहों पे हमने लिखा है कुछ जगहों पे छोड़ा है, बाद में हम मेंशन करते हैं अगेन, तो उसको अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो आंसर सही है, बोलेंगे जी सर इधर का हिस्सा क्या होगा ओनली लॉग रहेगा और इधर का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, उसको पूरे को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, या फिर आप ये बोलिए वन अपॉन समथिंग, समथिंग जैसे कुछ भी लिखा हो यहां पर साइन एक्स को इंटीग्रेट करो बोलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलेंगे कुछ भी फंक्शन हो सर वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या होता है वो लॉग एफ ऑफ एक्स होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है कि नहीं, और साथ में क्या रहता है उसका बार बार डेरिवेटिव चिपकता रहता है, तो ये इसका डिफरेंशिएटर करते हो और आप लोग यहां पर ऐसा डेस अलग से और लिखते हो, ये फार्मूला है बेटा, ये क्या है आपका f डैश x अपॉन में f ऑफ x का इंटीग्रेशन करने से क्या आता है log f ऑफ x आता है। अब इधर का क्या करें, फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो, 1 अपॉन r का हो जाएगा log r, सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे आप लोग बाहर लिख दीजिए n माइनस सॉरी 1 माइनस n को, और 1 अपॉन r का डिफरेंशन हो जाएगा क्या log r, ओके 1 अपॉन r का डिफरेंशन डिफरेंशन बोल रहा हूं सॉरी 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन log r लिखेंगे आप लोग, और साथ में कांस्टेंट भी चिपका देंगे c, और c को हम लोग लिख रहे हैं log a, जब log वाला होता है तो कांस्टेंट हमेशा क्या लिखते हैं log वाला लिखते हैं, समझ आया? तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये आपको क्या मिला है, ये v डैश मिला है, v डैश r मिला है, आपको क्या चाहिए ओनली v चाहिए, राइट v चाहिए ना कि v डैश चाहिए आपको, है ना, तो यहां पर तो log लगा हुआ है, अब क्या करें इसको, आप जो है फिर से इसको थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए, यहां से दोनों साइड से log निकाल के काटने वाला हूं, या फिर दोनों साइड क्या लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल, जब एक्सपोनेंशियल लगाते हैं तो क्या हो जाता है log हट जाते हैं, लेकिन जितने प्लस होते हैं उसमें क्या चेंज होता है डॉट में, किस में चेंज होंगे डॉट में, जबकि log उल्टा काम करते हैं, जितने डॉट होते हैं वो क्या हो जाते हैं प्लस में चेंज होता है, और log जितने प्लस होते हैं उसको डॉट में चेंज करता है, सॉरी log बोल रहा हूं एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल लगा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, और क्या लिखेंगे v डैश r, और जितने भी प्लस है वो क्या हो जाएंगे डॉट में चेंज हो जाएगा, तो a को पहले लिख दीजिएगा a, और 1 माइनस में क्या लिखेंगे n, और क्या लिखेंगे आप लोग log r, समझ आया, log r की बोल रहा हूं बच्चों, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा ओनली आर बोलना पड़ेगा, तो ये लिखने का तरीका हम थोड़ा सा बदलते हैं, सही है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्टली लगाएंगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि पावर भी बनेगा इसका, ये क्या करेगा पावर में जाएगा, तो थोड़ा सा इसको ना ये करने से ज्यादा फायदे में रहेंगे हम लोग, ये लॉग ले लेते हैं वी डैश आर, क्योंकि वो तरीका भी सही है लेकिन वो चीजों को थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, तो ये लॉग में जितना सामने रहता है वो क्या करते हो आप लोग पावर लगाते हो, आर की पावर क्या जाएगी वन माइनस में एन, और ये एक बार और लॉग लगा हुआ है तो यहां पर क्या कर दीजिएगा, यहां पर पूरा को ऐसे लिखने से और अच्छा रहता है, ए पहले लिख दो फिर क्या लिख दो आप लोग
ये जो है log में r का जितना भी पावर था वो पावर क्या है आपका, ये 1 माइनस n, ठीक है ना। log अप्लाई करेंगे तो एक बार log a बनेगा, log अप्लाई करेंगे तो एक बार क्या बनेगा, log में आपका ये r के पावर n माइनस 1 जो कि पावर सामने में आ जाएगा। मतलब एक लाइन को मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। डॉट क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज होता है लॉग लगाने से, अंदर जाएगा तो ये अलग हो जाएगा और ये वाला पर लॉग लगेगा, तो आप जो है ऐसा लिख सकते हो। अब दोनों साइड से क्या कर दीजिएगा, लॉग कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो है वीडियो जो है कुछ कारणों से बंद हो गया था, हम कहाँ तक पहुँचे थे, ये वी डबल डिस अपॉन में वी डिस इज इक्वल टू वन माइनस में एन अपॉन में आर, ये हमारा था जहाँ पर V का मतलब समझिएगा या फिर VDS का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर वेरिएबल R है, हमने बार बार मेंशन नहीं किया है। स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, D अपॉन में DR log VDS लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला सिंपल सा है फार्मूला, कि कोई फंक्शन को अगर इस प्रकार से लिखा जाए log f ऑफ x, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है इसका, log समथिंग का हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, अगर x रहता तो क्या लिखते हो अपॉन में x लिखते हो, सिंपल सी बात है। और स्टूडेंट्स चैन रूल ये कहता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है तो फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो आपको क्या आएगा ऊपर में एफ डेस अपॉन में आएगा नीचे में एफ एक्स करके, और ऑलरेडी अगर ये एफ डेस होता तो यहाँ पर डेस आता है, यहाँ पर डबल डेस आ जाता, तो उसी प्रकार से वी के लिए लिखा गया है। वी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर लॉग करके हमने इस प्रकार से डिफरेंशिएशन लिख दिया, यही आएगा वन अपॉन में वी डेस आएगा और ऊपर में बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये जैसा का तैसा। स्टूडेंट्स डिफरेंशियल को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव का निशान हट जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाते ही यहाँ पर क्या लगा देंगे, कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा देंगे, ये जैसा का तैसा है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस में एन कांस्टेंट है और 1 अपॉन आर रहेगा, तो 1 अपॉन आर का क्या जाएगा लॉग आर, आप जानते हो इंटीग्रेशन यही होता है 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स लिखते थे, लेकिन आर है तो आप आर लिखेंगे, कांस्टेंट को मैंने मान लिया है लॉग ए। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप जानते हो लॉग के सामने में कुछ भी रहता है वो क्या करता है, पावर बन जाता है, मतलब आपने फार्मूला ऐसा पढ़ा होगा लॉग है यहाँ पर क्या है मान लो एम है और यहाँ पर क्या है ए है, तो पावर क्या हो जाता है ए का, ये एम लग जाता है और लिखते हो आप लोग लॉग ए की पावर में ऐसा एम, वही बातें हो रही यहाँ पर, तो लिख दिया आपने, ठीक है। ये हमारा वीडियो ऑफ हो गया था इस कारण से, ये अगेन थोड़ा सा बचा था उसको करना पड़ा, और यहाँ पर लॉग ए जैसा करता है ऐसा, हम बाहर निकाल देंगे लॉग को और काट देंगे, जब लॉग बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, यहाँ पर इनटू के रूप में प्लस है इसलिए इनटू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा मिलेगा, बड़ा सिंपल सी बात है, दोनों साइड से लॉग को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और वी डेस आर बराबर क्या आ गया फिर ए अपॉन में, हमने ये जो था पूरा ये वन माइनस में क्या था, वन माइनस में एन था, उसको हमने लिख दिया है एन माइनस वन और नीचे ले आया पावर को, इक्वेशन नंबर हमारा 8 बन गया। अब वी आर जो है, वी आर जो हमने यहाँ बता रखा है ये कैसे प्राप्त किया गया होगा, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो डिफरेंशियल का निशान हट जाएगा, डेस हट जाएगा, लेकिन इधर इंटीग्रेट करने से यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको लिख के समझाया है कि कैसे बनेगा, तो इसको एक बार हम रफली करके दिखाते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था, वी डेस आर बराबर में क्या था, ए अपॉन में आर की पावर में एन माइनस में वन, राइट, एन माइनस में वन, ये जैसा कहता है ऐसा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली वी, अरे डेस हट जाएगा हमारा, सॉरी ये डबल लिख दिया वी में और डेस हट जाएगा, वी आर हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ये तो ए कांस्टेंट है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर की पावर में एन माइनस में वन और यहाँ डी आर, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है, ए कांस्टेंट है कुछ नहीं करना, वन अपॉन समथिंग का होता है लॉग समथिंग, समथिंग मतलब आर की पावर में हो जाएगा एन माइनस वन। बट जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए, वन अपॉन एफ ऑफ एक्स बोला जाए, इसको इंटीग्रेट करो बोलेगा, वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से समझ आ जाएगा आपको, क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स, बट एफ एक्स को नीचे में एक बार डिफ्रेंशिएट और करते हैं, नीचे में है ना इंटीग्रेशन होता है तो डिफरेंशिएशन होता है तो ऊपर में करते रहते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा है ना, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, एक्सपोनेंशियल ए एक्स आएगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल एक्स का और नीचे में ए, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करके नीचे में लिखते हैं, साइन रहता तो नीचे में साइन चिपकाते हो, वही जो है काम करेंगे। तो ये पूरा वन अपॉन समथिंग का लॉग समथिंग और नीचे में क्या करेंगे इसका पूरा समथिंग का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन बाहर आएगा और आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा,
इस प्रकार से डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट एक बार सी लगाएंगे, कांस्टेंट सी लगाएंगे क्योंकि हमने क्या किया है, ये इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इस प्रकार से कांस्टेंट आएगा। अब यही बात हमने क्या कर दिया है, इसको यहाँ लिखा है ये पूरा बेटा, ये a अपॉन में n माइनस वन बी बन जाएगा, तो हमने b लिखा, और log क्या लिख देंगे, log r कैसे आया होगा क्योंकि n का वैल्यू क्या रखना है आपको 2, तो n का वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो 2 रखोगे तो 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा, r के पावर 2 माइनस वन मतलब log r हो जाएगा, और इस पूरे को नीचे वाले को क्या बोल दिया आप लोगों ने b, और यहाँ पर 2 रखोगे तो r की पावर क्या हो जाएगी, ये वाला पूरा 0, इसलिए क्या लिखेगा b और log r मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा c मिलेगा। बात क्लियर है, यही बात हम कहना चाहते थे। ये वाला बात कैसे लिखा गया है, ये हमने कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, हम उन स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जब n का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, 3 हो, 3 हो, तो जब 3 लिखेंगे, ग्रेटर देन 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा n का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो 2 बनेगा अंदर में, है ना, 3 माइनस 1, और यहाँ पर r की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब हो जाएगा ओनली r, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर log के पावर में अगर आप देखेंगे तो r के पावर में क्या हो जाएगा, r की पावर में हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब हो जाएगा r की पावर 2, तो r की पावर 2 है तो उसको भी r बना सकते हो, सामने से जो है इस यहाँ के लाकर काट सकते हो उसको, तो आप वैसे नहीं कीजिएगा, इसको इस प्रकार से बोलना कि b रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, r की पावर में नीचे वाला को नहीं बिगाड़ना है आपको, जैसा तैसा रखना है। आप बोलेंगे यहाँ पर जब r की पावर में आप क्या कर देंगे 3 रख देंगे तो r की पावर 2 हो जाएगी, आप उनको भी नहीं छेड़ना, हम लेकिन इतना जानते हैं कि सारे चीजें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, अब उनको कांस्टेंट ही रखिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मुख्य उत्तर होगा हमारा, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, b अपॉन में r की पावर में क्या रहेगा n माइनस 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, और इनके साथ ये जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये बातें जो है आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पर पे पुस्तक में तो मेंशन करता नहीं है आंसरों को अपना, तो ये जो लिखा था उसको हम इस प्रकार से नया कांस्टेंट बी का हमने नाम दे दिया, और ये आपका जो आर है, आर तो आप जानते हो, आर को हम कहाँ से उठाकर चल रहे थे, आपका ये देखिए R बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड x, तो R बराबर हमने क्या लिखा है, मॉड x, जब n का वैल्यू 2 हो, और इनको क्या कर दिए हैं एक नया, और कांस्टेंट का नाम पूरा बना के लिखे हैं, ये जैसा तैसा है, R के R को लिखेंगे मॉड x, पावर में n माइनस 2 लिखे हैं, कांस्टेंट प्लस में c रहेगा, अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पूरा जो है नया कांस्टेंट, इसको तो फंडामेंटल सॉल्यूशन को इस लाइन को याद रखना बच्चों, ये पूरा हम कर सकते हैं बिल्कुल निकाल, फंडामेंटल सॉल्यूशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन में, अल्फा n को क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यूम ऑफ यूनिट बाल भी कहते हैं, तो आप जो है अच्छे से इसको याद रख लीजिए।